अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। अब परेशानी थी बच्चों से, ठीक से रहना सहना नहीं था, नहीं रखा लड़कों ने, चले आए। कितने बेटे हैं आपके? तीन बेटे हैं। क्या करते हैं? दो धंधा करता है, एक मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। ये एक माँ के लफ्जों से निकला दर्द है जो इनके बेटे को सुनाई नहीं दिया। यूपी में हमीरपुर जिले के एक बीजेपी नेता ने अपनी बूढ़ी और बेबस माँ को घर से निकाल दिया। इसके बाद ये बूढ़ी माँ वृंदावन में भटकती रही और दर दर की ठोकरें खा रही है। किसी तरह इन्हें वृंदावन में गोरी गोपाल वृद्धा आश्रम का सहारा मिला। बुजुर्ग माँ अब यहीं रहकर गुजर बसर कर रही है। बुजुर्ग महिला ने इस तरह अपनी आप बीती सुनाई है। परेशानी थी बच्चों से, ठीक से रहना सहना नहीं था, नहीं रखा लड़कों ने, चले आए। कितने बेटे हैं आपके? तीन बेटे हैं। क्या करते हैं? दो धंधा करता है, एक मंडल अध्यक्ष है भाजपा का। तो उन्होंने आपको नहीं रखा घर में? अब रखा, किसी लड़के ने नहीं रखा तो किसी बहू ने नहीं रखा। जब हर जगह से कष्ट मिला तो चले आए हम यहाँ। किस तरह प्रताड़ित करते थे आपको और क्या क्या समस्या थी आपके साथ? अब दोनों ने तो बस रखने से ना ही कर दी, तीसरा थोड़ा गाली गलौज करने लगा था और बस। क्या कहता था आपसे? अरे बस यही कहता था कि चाहे जहाँ रहो, हमें क्या मतलब है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि बहू ने घर से जाने के लिए कहा और बेटा कुछ नहीं बोला। वृंदावन आने पर हमें सुकून महसूस हो रहा है। पर उसकी बीवी ने कह दिया, तो बेटे ने तो ना आ कहा ना का कहा। उसकी बीवी ने कह दिया कि 10 साल से रखे हैं। अब यहाँ कितने दिन से रह रही हैं आप? आज हमें 10-12 दिन हो गए, 5 तारीख को आए थे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? हमें तो यहाँ आनंद ही आनंद है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है एकदम यहाँ? बढ़िया, कथा मिल रही, सुने महाराज जी का प्रसाद, पूरी सारी व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं, यहाँ तो स्वर्ग है। जो आपके बच्चों ने आपके साथ कहा, किया, क्या कहोगे उसके बारे में? यही कहेंगे कि नर्क शून्य करके स्वर्ग में आ गए। ऐसे बच्चे भगवान दे किसी को? अरे कभी ना दे। यहाँ के कथावाचक ने बताया, इसी तरह यहाँ कई माताएं आती हैं। कईयों को तो उनके बच्चे वापस ले जाते हैं, लेकिन कई हमेशा के लिए यहीं रह जाती हैं। यहाँ रोज कोई ना कोई माताएं आती हैं और किसी माँ का रिस्पांस आता है, बच्चे आकर ले जाते हैं, तो कोई माँ अपने से यहाँ खुशी से राजी मर्जी से यहाँ रहती हैं जब उनके बच्चे आते हैं, लेकर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके बच्चे नहीं आते। बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे नहीं आते और वो माँ यहाँ सुखपूर्वक से रहती हैं, उनका बेटा बन के हम ही उनकी सेवा करते हैं। अभी तक कितनी माताएं आई हैं अपने यहाँ, कितनी परिवार में वापस चली गई हैं? यहाँ लगभग 170 माताएं तो अभी रह रही हैं और लगभग 100 ऐसी माताएं हैं जो आईं और जिनके परिवार वालों ने, बच्चों ने आकर के अपनी गलती माफ़ी मांगी कि हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, जो माँ की सेवा ना कर पाए। और वो बच्चे लगभग 100 की संख्या में ऐसे हैं जो अपनी माँ को लेके चले गए। उनके बाद भी अभी लगभग 170 माताएं यहां रह रही हैं सुखपूर्वक। खबर मीडिया में आने के बाद पता चला है कि बुजुर्ग महिला हमीरपुर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल की मां है। प्रमोद अग्रवाल का इस पर कहना है कि ये सही है कि ये उनकी मां है, लेकिन वो मेरी बहन के घर थी और सारी चीजें कैसे हुई ये मुझे नहीं पता। न्यूज़ तक ब्यूरो।